हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मैं सब रात को ही साफ करके रख देती हूँ, और ये मेरा दो दिन का है, 2 दिन पहले का है मेरा ये क्लिप, क्योंकि 2 दिन मैं बहुत बिजी थी, मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो ये मैंने आटा लिया है, उसमें कलौंजी, अजवाइन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा, सौंफ, ये सब डाल के और प्याज काट के, और इसके हम बनाएंगे पराठे। क्योंकि जब अगर सब्जी अब्जी नहीं है घर में तो आप इसको बना के और किसी के भी साथ खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो प्याज के पराठे हैं ये। आटा मेरा गूंद के इसको थोड़ी देर रख दूंगी ये आराम करने के लिए, थोड़ा आराम हो जाएगा इसका, फिर ये अच्छे से पराठे इसके बिल जाते हैं, फटते नहीं है ना, प्याज निकलती है उसकी। थोड़ा सा तेल लगा के ढक के रख देंगे। सब्जी थी इसमें थोड़ी सी, ग्रेवी सब्जी था तो मैंने अभी उसी से, और ये उसी दिन का है क्लिप, अभी आज का कोई क्लिप नहीं है, आज का भी खाना बनाऊंगी फिर मैं। तो ये दूध ख़त्म हो गया था तो मैंने दूध गर्म करने को रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा दही लगाना था। तो पहले हम पराठे बनाते हैं इनको चाय के साथ, या आपके पास ग्रेवी है, ग्रेवी की सब्जी तो उससे खा सकते हैं, एक टाइम के लिए अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप चटनी के साथ ये पराठे खा लीजिए, वो भी अच्छे लगते हैं। और अभी हमने हमारी किचन का ना मैकओवर कर लिया है, क्योंकि पीछे वो सब साइड में रखे थे ना, वो सब हमने बाहर रख दिए, तो उतनी जगह हमको मिल गई है। पहले हम पराठे बनाएंगे और उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं काम, क्योंकि 2 दिन हो गए ना, 2-3 दिन हो गए तब से ना टाइम ही नहीं मिला मुझे। कल तो बहुत लेट आई मैं घर पे, 8 बजे आई रात को, सुबह से निकली, क्योंकि वो काम ही ऐसा है कि वहाँ इतना टाइम लग जाता है जाके, बैठे रहो बैठे रहो, वो भी करवाना बहुत ज़रूरी है इसलिए। और ये आज सुबह का है, आज है दशहरा तो आज ही एक सुबह का ही है। बर्तन ये तो मैं रोज ही खैर धोती हूँ, बर्तन भगवान जी को रोज नहलाना धुलाना, रोज पीताम्बरी से धोना, एक दिन भी नहीं धोते तो ये बर्तन है। एक दिन चल जाता है कि आज धोए तो कल आप इसको पीताम्बरी से नहीं धोएंगे तो ठीक है चलता है, अगले तीसरे दिन नहीं चलता, क्योंकि उस पर ना ऐसे दाग जैसे आ जाते हैं। तो मैं एक दिन छोड़ के, एक दिन टाइम मिलता है तो मैं दोनों रोज कंटिन्यू पीताम्बरी से धो लेती हूँ। ये छोटे छोटे हल्दी कुमकुम रखने के हैं, ये हल्दी कुमकुम वो छोटा लोटा है, और अपना प्रसाद रखने का, ये सब एक पैकेट में आता है। और ये मेरे हस्बैंड ही लाए थे कहीं से, तो वो फिर हमने निकाल लिया पूजा के लिए, मैंने अभी निकाला है उनके जाने के बाद शायद से, हाँ उनके जाने के बाद ही निकाला है। मैं क्या करती हूँ, मेरे जो लड्डू गोपाल है ना, उनको भी मैं किसी किसी दिन ना पीताम्बरी से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि वो पीले हो जाते हैं और इससे साफ करते तो एकदम वो सफ़ेद होते हैं, छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनको सजाने को ज़्यादा मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो बस इनके कपड़े अपड़े पहना के मैं बिठा देती हूँ उनको। और ये हमारे छोटे से शिवलिंग हैं, गणपति बप्पा हैं, और कौन है, कुबेर जी हैं, लक्ष्मी जी भी थे। तो पीतामढ़ी से क्या है ना, चमक जाते हैं लड्डू गोपाल।
वैसे तो इनको साफ करने के लिए एक पाउडर आता है, जैसे चांदी के बर्तन और ये सब साफ करने के लिए, तो वो तो मेरे पास नहीं है, मैं फिर इसी से धो लेती हूँ। तो ये सारे बर्तन साफ करके फिर मैं मंदिर में रख दूँगी, फिर करूँगी पूजा। और यहाँ पे तो दशहरे का बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ पे ना नवमी का होता है, जो रामनवमी होती है ना, उसको दशहरा भी करते हैं, गाड़ी वगैरह की पूजा ऐसे यहाँ भी करते हैं, अकेले यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। साउथ में भी बहुत होता है दशहरा का। तो पहले अपने भोलेनाथ को बिठाऊंगी मंदिर में, और इनका कपड़ा ना धुला नहीं है इसलिए मैंने पोंछे नहीं है ये, ऐसे ही अभी रख देंगे, सूख जाएंगे, अभी कुछ नहीं है, बारिश वारिश तो है नहीं। तो पहले हम कर लेते हैं पूजा की थाली की। तो ये बेलपत्र है, बेलपत्र मैं कल सुबह कहीं से तोड़ के लाई थी, रास्ते में एक पेड़ पड़ता है वहाँ से मैंने तोड़ लिए थे। बेलपत्र मिलता नहीं है जल्दी। ये फूल फूल इतने महंगे हो गए कि भगवान को एक फूल चढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, इतने महंगे फूल हैं। तो मैं लोटे में थोड़ा सा चावल और फूल डाल के, और फिर हम अपना हल्दी कुमकुम मैंने इसलिए इसमें रख दी है कि इसमें हल्दी कुमकुम का मेरा चार वाला था, एक हल्दी कुमकुम चावल सब आ जाता था, वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तो मैं अभी प्लेट में ही रख लूँगी। और पहले मैं देती हूँ सुबह सुबह सूरज जी को अर्घ, तो बस इसी खिड़की में से दिखते हैं थोड़े से, तो वहीं पे उनको अर्घ दे देती हूँ। वहीं उसी साइड में मेरी तुलसी भी रखी है, जगह तो नहीं है ले, भगवान के लिए जगह बहुत है, वो ये नहीं बोलते गए तुम्हारे पास जगह है कि नहीं। तो फूल हार हार तो लाई नहीं, मैं कल शाम को आई थी लेट, मैंने फिर ऐसे ही लूज में फूल ले लिए थे कि उसके पास हार नहीं थे शायद से, और थक भी गई थी सुबह से निकली नहीं। अभी बच्चों को बोली जाके ले आओ, मैंने थोड़ा सा कुछ मिठाई ले आओ, दशहरा पूजा हो जाएगी, मन नहीं करता है कुछ करने का, ले करना पड़ता है। कल कोई तो मुझे बोला था हमारे कि कुछ नहीं है करो, अभी सब तुमको करना ही है, हिम्मत बांध के करते रहो। हाँ करना तो है, वह तो बात सही है कि करना तो है। सो बहुत सारे फूल आते हैं, कि अभी नहीं देते, अभी ये गणपति नवरात्रि अब फूल देना शुरू करेंगे। क्या मंदिर में थोड़े फूल हर तरह के रहते हैं तो अच्छा लगता है। मंदिर खैर मेरा बहुत साल पुराना हो गया है, क्योंकि उसमें जगह भी नहीं है, नीचे कहीं रखने की जगह नहीं, क्योंकि खड़े होके पूजा नहीं हो पाती है उतनी, पहले चलता है। और दीपक तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम लगाती हूँ, घी का ही लगाती हूँ, तेल का नहीं लगाती हूँ, सुबह भी लगा देती हूँ शाम को भी लगा देती हूँ। और कुछ भोग लगाने को नहीं है तो मैं शक्कर रखी रहती हूँ, उसी से मैं भोग लगा देती हूँ, बाद में फिर देखेंगे। तो चलो आज ब्लॉग यहीं एंड करते, मिलते हैं आपको नए वीडियो।